चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ आटा चावल और दालें, 1 महीने में 5% बढ़े खाद्य पदार्थों के भाव। देश में लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस, बीते 8 सालों में 47 विधानसभा चुनाव और खाते में महज 6 जीत। केजरीवाल की आप बनी राष्ट्रीय पार्टी, अब दिल्ली में केंद्र सरकार से मिलेगी ऑफिस स्पेस। गुजरात हिमाचल चुनाव रिजल्ट के बाद बोले पीएम मोदी, गुजरात की जनता को नमन, हिमाचल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करते रहेंगे काम। इंडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत सिर्फ हमारा सहयोगी नहीं दुनिया की एक और महाशक्ति बनेगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं, रेस में शामिल है कई नाम, प्रतिभा सिंह के बयान से हलचल हुई तेज। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, अब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से हर दिन सिर्फ 1 लाख रुपए कर सकेंगे ट्रांसफर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनचलों को दी चेतावनी, कहा बेटियों को छेड़ा तो बीच चौराहे पर ठोक देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, देश में जल्द शुरू होने वाला है पराली से बायो बिटुमिन बनाने वाला प्लांट। आगामी बजट 2023 में रेलवे को मिल सकता है बड़ा तोहफा, देश में बिछेगा 1 लाख किलोमीटर का ट्रैक। अब रिजेक्ट नहीं होगा पीएफ खाते का क्लेम, ईपीएफओ ने जल्द पैसा दिलाने के लिए बनाया नया नियम। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला, गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। पाक रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ का जवान, वापस नहीं सौंपने पर अड़ा पाकिस्तान, घने कोहरे के कारण अनजाने में पार की 0 लाइन। खत्म हो रहा मोदी मैजिक, जीत के लिए करना पड़ा ध्रुवीकरण, चुनाव नतीजे के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने बोला हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अगले साल विधानसभा चुनाव में कमान देने की तैयारी, समीक्षा बैठक में तय होगा आगे का प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा भाजपा में 2024 के चुनाव की शुरू हो चुकी तैयारी, देश में जातिवादी परिवारवादी पार्टियों का खत्म होना तय। वायुसेना के बाद राफेल एयरक्राफ्ट की कायल हुई भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, फ्रांस के साथ हो सकती है एक और डील। आईटी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2023 तक घर से काम करने की मिली छूट, 490 रुपए में बिक रहा है आपका निजी डाटा, 6 लाख भारतीयों का पर्सनल डाटा हैकर्स के निशाने पर। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला शिवसेना उद्धव गुट, कोल्हापुर जिले में लगा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 37। गुजरात चुनाव में भी कायम रहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा, 25 रैलियों में से 18 सीटों पर मिली जीत। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में शिंदे सरकार, सरदा हत्याकांड के बाद लिया फैसला। ब्राह्मणों पंजाब हरियाणा छोड़ो, जेएनयू के बाद अब सिरसा के कॉलेज में लिखा सिख दंगों के लिए बताया दोषी खालिस्तानी आतंकी, पन्नू पर FIR दर्ज। अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। चीन के पास अमेरिका से ज्यादा हुए एटमी हथियार, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रिपोर्ट में किया दावा। ट्विट की कमान हाथों में लेने के बाद कंपनी के नए बॉस एलन मस्क के खिलाफ केस दर्ज, छठी में महिलाओं को टारगेट करने का लगा आरोप।